वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये समय ये डेटेड आंकड़े आ गए आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, अब ये मैंने क्या है, वीकेंड पे सब स्टॉक्स न्यूज टटोल रहा था तो टीम तो बना दी, आज थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है, पर ये खबरें छोटे छोटे स्टॉक्स हैं तो इनको जरा कॉशन से ट्रेड करेंगे, खुलने दीजिए, सेटल होने दीजिए, रेवल से रिकवरी आ रही हो तो देखिएगा। मैंने इन ग्रीन रखा है पर अनलाइकली है कि शायद दिन भर इन ग्रीन या एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में इन ग्रीन नजर भी आए, तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर दिन। आज क्या है, मुश्किल काम है, आज किस तरह का गैप डाउन होता है, गैप डाउन के बाद बिहेवियर क्या होता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने सुबह एनालिस्ट कमेंट्री भी सुनी थी, अमित सेठ साहब भी यही बात हाईलाइट कर रहे थे कि तीन दिन की छुट्टी के बाद आ रहे हैं, इस तरह के न्यूज फ्लोज के बीच में आ रहे हैं, गैप डाउन बड़ा होने वाला है। शुरू शुरू में बैठे बैठे बोल देना कि ये स्टॉक हरे में रहेगा दिन भर, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, और वो भी अगेंस्ट ट्रेंड। लाल वाला तो फिर भी मैं कह सकता हूँ लाल होगा। जुबिलेंट इंग्रीविया छोटी कंपनी है, 877 के हाई से 500 के नीचे चल रही है। ये करती क्या है, लाइफ साइंसेज प्रोडक्ट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। इसने एक इसका जो CDMO है, CDMO के अंतर्गत इसने कॉन्ट्रैक्ट बैक करा है 270 करोड़ का स्पेशलिटी केमिकल्स का। रखिए इसको रडार पे, ऑर्डर की न्यूज के चलते शायद लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाए। राइट्स और इसके साथ जोड़ दीजिए पावर मैक प्रोजेक्ट्स, दोनों क्योंकि एक ही कड़ी से बंधी हुई कंपनियां हैं। राइट्स को इसलिए लिया क्योंकि पावर मैक के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करा है जिसमें ये L1 इमर्ज करें, यानी कि लोएस्ट बिडर हैं, बट ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट इनके पास आएगा। एक्सटेंशन ऑफ बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसका Phase 2 का ऑर्डर राइट्स और पावर मैक प्रोजेक्ट्स के पास जाता हुआ, ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए के आसपास का ये एक्सटेंशन का चंक है। तो ये दोनों कंपनियों के लिए अच्छी खबर, दोनों को रखा रडार पे, दोनों इन ग्रीन। अच्छा, अगली जो तीन कंपनियां वो एक ही खबर पे हैं इसलिए उनको तीनों दिखाइए, इंडोरामा सिंथेटिक्स, सतलज टेक्सटाइल और वर्धमान टेक्सटाइल। देखिए, खबर आई वीकेंड के दौरान कि PLI स्कीम जो है इन कंपनीज के लिए भी जो खोली गई थी उसमें 67 एप्लीकेशंस डाली गई थी जिसमें 61 अप्रूव हुई हैं और करीब करीब जो है 19,000 करोड़ रुपये के वैल्यू की ये सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें दो तरह की टेक्सटाइल, एक मैनमेड फाइबर और दूसरा टेक्निकल टेक्सटाइल जो स्पेसिफिक रीजन्स के लिए यूज़ होती है, जिसमें हॉस्पिटल वाली टेक्सटाइल भी टेक्निकल टेक्सटाइल कही जाती है, और तरीके की इस तरीके की मछुआरों की जाल बनाने वाली टेक्सटाइल, ये सब जो है टेक्निकल में आता है। तो दोनों में ही जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए अच्छा, जब भी PLI खबर आई है तो स्टॉक ने बढ़िया रिएक्शन दिया है। कुछ कुछ लोगों को अंदाज़ा बुधवार को था, क्योंकि वर्धमान के देखिए आप ऊपर है, सतलज थोड़ा ऊपर था जब बाजार गिरा हुआ था। एग्जैक्टली, वर्धमान एक्रिलिक जैसे स्टॉक उस सर्किट में 20% के, तो लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा रहा होगा कि भाई खबर आने वाली है ये जो भी है। तो मुझे लगता है कि अभी चूंकि पूरा सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है टेक्सटाइल में और बहुत दिन बाद अच्छी खबर आई, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए तीनों ही कंपनियाँ जो है जो कम ज़्यादा नहीं चली थी, सतलज, वर्धमान और इंडोरामा सिंथेटिक्स में आप देख सकते हैं ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। हालांकि मार्केट में मूड क्या रहता है ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो छोटा सा ब्रेक अभी बाकी है आपका। मैं तो